लगातार में बारिश रिटर्न, राजधानी में 6 डिग्री लुढ़का पारा, 5 मई तक बारिश के आसार, ओलावृष्टि का अलर्ट। उत्तर भारत में बारिश ने एक बार फिर से दस्तक दी है, इस कारण से मौसम सुहावना बना हुआ है और पारा 6 डिग्री तक लुढ़क गया है। बीते सप्ताह तक दिल्ली NCR में गर्मी लोगों को परेशान करने लगी थी, लेकिन अब 5 मई तक बारिश में तेज हवा का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं हिमाचल और उत्तराखंड में तो बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। कल देर रात भी दिल्ली NCR में बारिश हुई, जिससे मौसम में ठंडक बढ़ गई। सुबह से चल रही हवाओं ने भी मौसम को नर्म कर दिया। मौसम विभाग के अनुसार 1 मई से नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, इस कारण से पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में 1 मई से 3 मई तक तेज बारिश और बर्फबारी की संभावना है, जबकि उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में हल्की से मध्यम स्तर की बारिश होने की संभावना है। पश्चिमी यूपी और दिल्ली में भी ओलावृष्टि का अलर्ट है। बीते शुक्रवार को दिल्ली NCR के कुछ इलाकों में बारिश हुई और मौसम सुहावना बना रहा, इस कारण से शनिवार को अधिकतम तापमान सामान्य से 6 डिग्री कम 33.1 व न्यूनतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री कम 22.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अमूमन इस समयावधि में तापमान 40 डिग्री के पार ही रहता है। मौसम विभाग के उप महानिदेशक डॉक्टर कुलदीप श्रीवास्तव ने बताया कि अभी पश्चिम विक्षोभ के असर से मौसम सुहावना बना हुआ है। वहीं 1 मई को एक नया विक्षोभ दस्तक दे रहा है, इसके कारण 4 मई तक उत्तर भारत के कई इलाकों में हल्की से तेज बारिश होगी। इस दौरान तेज हवा भी चलेगी, इस कारण से तापमान में भी काफी कमी होगी और तापमान 30 डिग्री तक पहुंच जाएगा। 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा भी चलेगी। 5 मई तक लगभग ऐसा ही मौसम बना रहेगा। इस दौरान हिमाचल व उत्तराखंड में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहां ओलावृष्टि की भी संभावना है। यदि फिर कोई नया पश्चिमी विक्षोभ आया और उसका असर रहा तो फिर से गर्मी से राहत मिलेगी, लेकिन इसके बारे में अभी कहना काफी मुश्किल है।